नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार रेडी चैट। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सर्व शिक्षा अभियान को मजाक बना दिया है उनके ही अधिकारियों व कर्मचारियों ने। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सर्व शिक्षा अभियान की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। शिक्षा विभाग के ठेकेदारों ने बिना किसी डर के कर रहे हैं बच्चों की ड्रेसों में भ्रष्टाचार। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन्नाव जनपद के विकास खंड क्षेत्र मियागंज की। मियागंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत बारेकला के प्राथमिक विद्यालय का है पूरा मामला। मियागंज के खंड शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी ने सरकार के द्वारा निर्धारित एक ड्रेस कंपनी का कपड़ा जो मफत लाल 67/33 पीसी कंपनी का है, जिसका अपना एक ट्रेडमार्क है, उस कंपनी की यूनिफॉर्म ड्रेस को ना वितरित कर लोकल कंपनी के द्वारा निर्मित घटिया क्वालिटी के कपड़ों से बनी ड्रेसों को सस्ते दामों में खरीद कर बच्चों में बांटा जा रहा है। जब इसकी जानकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामशंकर सिंह व विद्यालय की समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र को हुई तो उन लोगों ने इस घटिया किस्म की ड्रेस को वितरित करने से मना कर दिया और इसकी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश सिंह सफीपुर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के विधायक बंबा लाल दिवाकर से लिखित रूप से किया। विधायक ने तत्काल प्रधानाध्यापक से कहा कि हम इसकी जांच अब से करवाएंगे और जो भी जांच में दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी को जब समिति के द्वारा इसकी फोन से शिकायत की तो कहा कि पूरे जनपद में यही ड्रेसों को वितरित किया जा रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं है, फिर आप अकेले क्यों विरोध कर रहे हो। खंड शिक्षा अधिकारी की बातों को न मानकर प्रधानाध्यापक व समिति के अध्यक्ष ने इसकी शिकायत मीडिया से व हसनगंज के उप जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा से की। खंड शिक्षा अधिकारी ने विरोध बढ़ता हुआ जान प्रधानाध्यापक से कहा कि जल्द से जल्द ड्रेसों को बच्चों में वितरित करके ड्रेसों का भुगतान करो। प्रधानाध्यापक रामशंकर ने ड्रेस को वितरित करने से मना करते हुए इसकी शिकायत करना शुरू कर दिया। जब प्रधानाध्यापक ने विद्यालय की समिति से बात की तो सभी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले साल की उपेक्षा इस साल ड्रेसों की खरीदारी में सरकारी खरीद मुद्रा को बढ़ा दिया है ताकि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली ड्रेसों का वितरण किया जा सके। इसके बावजूद भी सरकार के अधिकारी व कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार के अधिकारी व कर्मचारी पैसा कमाने में इतने अंधे हो चुके हैं कि मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूक रहे हैं। रामशंकर के मुताबिक जिन ड्रेसों को विद्यालय में वितरित किया जा रहा है उनकी खरीद में 50% कमीशन मिलता है। उप जिलाधिकारी ने कहा है कि हमें लिखित रूप में शिकायत करो, हम पूरी जांच कर पाएंगे। प्रधानाध्यापक रामशंकर ने पूरे मामले को मीडिया के सामने लाकर रख दिया और कहा कि हम अपने उच्च अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं जिससे हम पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जब इस मामले को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश सिंह से मीडिया ने बात करनी चाही तो साहब का सरकारी नंबर व प्राइवेट नंबर बंद मिला। अगर देखा जाए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि हर बच्चा शिक्षित होकर अपने देश का नाम रोशन कर सके और देश का हर नागरिक पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपना भविष्य खुद तय करे। लेकिन सरकार के मुलाजिमों ने आम जनता का जीना मुश्किल कर रखा है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक करीब 8 साल से बराबर कार्यरत है जिसके चलते प्राथमिक विद्यालय की साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से सही मिली। बच्चों ने बताया है कि हम लोगों को बराबर अच्छा खाना मिलता है, समय समय पर फलों का भी वितरण किया जाता है। विद्यालय के कुछ हिस्सों में गंदगी भी देखने को मिली। प्राथमिक विद्यालय के कुछ कमरों में घटिया सामग्री के प्रयोग की वजह से फर्श टूट कर निकल रहा है। सरकार लाख दावे करे कि हम सर्व समाज को शिक्षित करके डिजिटल इंडिया बनाएंगे लेकिन उनके ही अधिकारी व कर्मचारी इस मुहिम को सफल नहीं होने देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस घटिया सिस्टम में कितना सुधार होता है या फिर प्रधानाध्यापक के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है। समाचार रेडियो चैट के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। मास्टर साहब, आप बरहाकला ग्राम सभा विकास खंड क्षेत्र मियागंज के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं। आपने अभी कुछ दिन पूर्व विद्यालय में वितरित की जाने वाली ड्रेस को लेकर के शिकायती पत्र विधायक जी को दिया था, क्या समस्या है ड्रेस में? ड्रेस में ये समस्या है कि जो NRLM की ड्रेस भेजी गई है इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, मेरी समिति ने इसको बांटने से इनकार कर दिया है। इसी वजह से मुझे जो है अपने खंड शिक्षा अधिकारी को बताना पड़ा है कि हमारी समिति इसको ड्रेस को बांटने में जो है सहमत नहीं है
और माननीय विधायक जी को भी मैंने लिखित पत्र में समिति के द्वारा पत्र तैयार करके भिजवाया था। तो विधायक जी के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन के अखंड शिक्षा अधिकारी महोदय तो कहते हैं कि ये एनआरएल की ड्रेस है, इसमें आपको चेक देना पड़ेगा और आप जो है चेक दीजिए इसका। तो यानी कि अधिकारी जो इसमें घटिया किस्म की ड्रेस का वितरण करा रहे हैं प्रेशर डाल करके ऊपर से, तो उसको उनको परवाह इस चीज़ की नहीं है कि सामग्री कैसी है क्या है, लेकिन बहुत जल्द जल्द आप पैसे दीजिए, पैसों की जल्दी है उनको। बस यही कहते हैं पैसे दीजिए। तो इसके लिए आप सरकार के द्वारा जो सर्टिफाइड मैन्युफैक्चर्ड कंपनियां हैं उनकी यूनिफॉर्म नहीं बांटी जा रही, ड्रेस नहीं बांटी जा रही है, तो आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सरकार से यही बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो ड्रेसें भिजवाई जा रही हैं इनमें लंबा चौड़ा कमीशन कराया जा रहा है, इनको रोका जाए ताकि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की ड्रेस दी जा सके, समिति को जो है स्वतंत्र किया जाए और सभी जो है अपने हिसाब से ड्रेस को चयन करके फर्क करके और बच्चों में ड्रेस बांटे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम समस्तपुर नौ जनपद की विकासखंड क्षेत्र मियागंज की ग्राम पंचायत बराहा कला में मौजूद हूँ। यहाँ की ग्राम पंचायत तो क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय आता है जहाँ के प्रधानाध्यापक श्री रामशंकर जी हैं। विद्यालय में बच्चों को वितरित की जाने वाली यूनिफॉर्म ड्रेस जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक कंपनी की ड्रेस को पास किया गया है, उस कंपनी के यूनिफॉर्म ड्रेस को विद्यालय में बच्चों को ना वितरित करके यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी व बीएसए साहब की मिली भगत से बच्चों में एक लोकल कंपनी की यूनिफॉर्म ड्रेस को वितरित किया जा रहा है जो ही बहुत ही घटिया किस्म का है, जिसको लेकर के यहाँ के प्रधानाध्यापक व विद्यालय की समिति ने बहिष्कार किया हुआ है। क्षेत्रीय विधायक बम्बालाल दिवाकर जो भारतीय जनता पार्टी से हैं उनको भी लिखित रूप से शिकायत कर रखी है, टेलीफोन से मौखिक रूप से SDM साहब को हसनगंज प्रदीप वर्मा और खंड शिक्षा अधिकारी मियागंज दिनेश सिंह को भी माननीय प्रधानाध्यापक जी ने शिकायत कर रखी है। उसके बावजूद में भी प्रधानाध्यापक के ऊपर सक्षम अधिकारी कर्मचारी दबाव बना रहे हैं कि तत्काल जल्द से जल्द ड्रेस को वितरित करें और उसका जो भुगतान है पेमेंट है उसका चेक बनाकर हमें उपलब्ध कराएं। देखा यह जाए कि सरकार के द्वारा भेजी जा रही अनगिनत योजनाएं बच्चों को देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हीं के ही अधिकारी और कर्मचारी इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने में नहीं चूकते हैं। उन्नाव से समाचार A to Z के लिए भानु सिंह चंदेल। हेलो हेलो विधायक जी नमस्कार। नमस्कार, मैं भानु सिंह चंदेल बोल रहा हूँ समाचार A to Z न्यूज चैनल से। हाँ जी बताइए विधायक जी, आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विकासखंड मियागंज क्षेत्र में गांव पड़ता है बराहा कला, जहाँ का प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री रामशंकर जी हैं। विद्यालय में जो बच्चों ड्रेस यूनिफॉर्म वितरित की जा रही हैं, प्रधानाध्यापक जी ने उस पर आरोप लगाया है कि ये बहुत घटिया किस्म की ड्रेस है, जो बहुत ही खराब कपड़ा है और जो सरकार के द्वारा जो कपड़ा निर्धारित किया गया है, जिस कंपनी का सर्टिफाइड किया गया ट्रेडमार्क है जिसका, वो कपड़ा न दे करके ये दिया जा रहा है। इसकी खरीद फरोख्त में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है जिसको लेकर के आपसे शिकायती पत्र दिया था, क्या है पूरा मामला ये? जैसा कि शिकायतकर्ता के द्वारा हमको बताया गया, मैंने उसको आश्वासन दिया है कि अगर विकास खंड बराहा कला जो गांव है जिसमें जूनियर स्कूल और प्राथमिक विद्यालय में जी इस तरह की समस्या जो आ रही है जी, ये मुझे कल ही प्रार्थना पत्र मिला है जी, तो शिकायतकर्ता को मैंने आश्वस्त किया है कि मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा जी, जो लोग दोषी होंगे वो जरूर इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है जी, इस तरीके की बहुत अनियमितता पाई जा रही है। सरकार की जो मंशा है कि हम लोग बच्चों को अच्छी ड्रेस दे सकें जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमीशन खोरी के चक्कर में जितने भी लोग इसमें जुड़े होंगे इनके सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई है हमारी सरकार। मैं बिल्कुल उस शिकायतकर्ता के साथ हूँ क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जब तक हम लोग ठीक नहीं करेंगे, जब तक जो मोदी जी और योगी जी का सपना है जी, वो कैसे हम उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाना है जी, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हो, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा देश हो, ऐसी चिंता जो सब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने की है जी, उसका हम पूरा सम्मान करते हैं और हम जनप्रतिनिधियों से अभी अपील करना चाहते हैं कि जी अपने अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधि इस तरीके की समस्याओं को जरूर देखें, क्योंकि छोटी छोटी सी समस्या है जो पूरे देश के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है जी, वो बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है उनको अगर मान और सम्मान
और उनके साथ अगर पढ़ाई जैसे शिक्षा में जो भी हम पहले भी आपने देखा होगा पिछली सरकारों की गुणवत्ता, इस बार हमारी सरकार गुणवत्ता का भी ख्याल रख रही है, उसके साथ साथ जो उनको मेल मिल रहा है उसकी भी क्वालिटी की हम जनप्रतिनिधि से अपील करेंगे कि जाके जरूर देखें कैसी क्वालिटी का खाना उनको दिया जा रहा है। जो सरकार की मंशा उसके खिलाफ तो कहीं नहीं हो रहा है। तो जो भी शिकायत करता था मैंने उसको असस्त किया है, मैं शीघ्र कृषि शिक्षा मंत्री जी से मिलकर जी इस समस्या से उनका डिस्कशन करके जी और इसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई कराऊंगा जी। प्रधानाध्यापक जी ने एक बात और कही है कि पूरे जनपद में इन ड्रेसों का वितरण किया जा रहा है जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या ज्यादा है, और ये भी कहा है कि मुझे हमारे अधिकारियों द्वारा डराया धमकाया गया कि आप ऐसा ना करें, आप विरोध क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने मास्टर साहब ने कहा है कि हम अपने शिक्षा विभाग या अपने अधिकारियों के आगे जाकर के मैंने कंप्लेन की है, हो सकता है भविष्य में मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जो आपने बात उठाएगा या भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल उठाएगा वो उसके ऊपर ऐसा कार्रवाई की जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अब संज्ञान में मामला आ गया है, मैं त्वरित इस पर कुछ न कुछ एक्शन करवा रहा हूँ क्योंकि समस्या इस बात की भी है कि बहुत सारी चीजों की जानकारी हम सब तक नहीं पहुँचती है जी। लेकिन आज अगर जानकारी पहुँची है जरूर इसमें और शिकायतकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। शिकायतकर्ता कोई गांव का निवासी भी हो सकता है, शिकायतकर्ता कोई भी हो सकता है क्योंकि ये हमारा देश जो जिसपे जिसमें हमारी 130 करोड़ की आबादी है, इसमें हर आदमी को ये अधिकार है कि अपनी बात रखने के लिए वो किसी भी फॉर्म पर खड़ा हो सकता है जी। तो इस तरीके की समस्याएं गाँव से भी निकल के आई है, गाँव के लोगों ने भी शिकायत की है, ऐसा नहीं है कि खाली उनकी शिकायत पर ही मैं कर रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझे मेरी जानकारी में जो लोग लाए हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि जितने भी जगह पे इस तरीके की समस्याएं हों वो लोग सही फॉर्म तक पहुंचाने की का काम करें, क्योंकि जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो उनको जब तक नहीं पता चलता है जब तक कि लोगों की शिकायत उन तक पहुंचती नहीं है। जी, इसी संबंध में मैंने खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश सिंह मियागंज के जो है मैं कल से बराबर उनके दोनों नंबर सीओजी नंबर प्लस प्राइवेट नंबर पर कॉल कर रहा हूँ, उनके नंबर बराबर स्विच ऑफ नट चल जा रहे हैं। क्या इन अधिकारियों पर शासन का कोई डर दबाव नहीं कि इनको जो सीओजी नंबर दिए जाते हैं तो उन नंबर को स्विच ऑफ कर देना, बंद कर देना, कोई संपर्क ना हो पावे, ऐसा भी ये क्या है सब? ये बात मेरी जानकारी नहीं है, इसके लिए मैं बीएसए साहब से अभी बात करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।